ज्ञानति मिरामुण्डस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द सभी पर हाथ लो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री भक्तिसार महाराज जी श्री शांत महाराज जी श्री महाराज जी सब वैष्णव के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग जो दामोदर अष्टक का जो पहला श्लोक है उसको केवल 5 मिनट सुनेंगे। कहते गुरुदेव जब मथुरा में रहते थे करी करी ये श्लोक को तो 1 महीना तक महाराज लोग हमारे महाराज लोग रहते थे इसलिए 1 महीना तो गुरु जी पूरा दामोदर अष्टक को पाठ करते थे और उसको संकलन करते हुए और गुरु जी ने ये पुस्तक निकाल कर इसलिए कहते उसमें से सत्यव्रत मुनि अपना दिव्य भजन की प्रभाव से ये श्लोकों को अपने रचना की है। कहते पहला जो श्लोक है बोले नामामीश्वर सच्चिदानंद रूप पहला जो शब्द है कहते नमामि। नमामि मतलब होता है नमस्कार। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कोई भी हम ग्रंथों को प्रारंभ करते हैं पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। जैसे भागवत में भी कल हम लोग श्रवण कर रहे थे सत्यम परम धीमहि। सर्वप्रथम उन्होंने परम सत्य भगवान कृष्ण को वहां भी प्रणाम किया है। कोई भी ग्रंथ में देखोगे पहले ये मंगलाचरण में सबसे पहले ये नमस्कार करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं देखो जैसे ब्रह्म स्तुति में भी वहां पर भी देखोगे नव मिटते अभ्र बपुषे तड़िताम्बराय वहां भी नवमी शब्द दिया। जब पद्म पुराण ग्रंथ में बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि निरादि गोविंद सर्व कारण कारण वहां पर कहते हैं क्या कहते हैं सचिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भय नमः। यहाँ पर भी प्रणाम शब्द है। जब सुखदेव गोस्वामी रासलीला को प्रारंभ करते हैं वहां पर भी भगवान अभी ताराद्री वहां पर भी उन्होंने भगवान को उन्होंने प्रणाम करते। अब देखना हर कहीं भी कोई भी ग्रंथ होगा वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत करते हैं कहते अजानुलंबित भुजो कन्या बता दो सारे ग्रंथ में सबसे पहले आप देखोगे सबसे पहले वो प्रणाम करते हैं है? इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं भक्ति दो तरह का भक्ति है एक तो वैद्य भक्ति और एक राग भक्ति। कहते वैद्य भक्ति किसको कहते हैं बोले शास्त्र के शासन के अनुरूप नहीं
ये गलत है। ये सारे प्रतिकूल चीज को छोड़ो और भक्ति की अनुकूल चीज को ग्रहण करो है। इसलिए यहाँ पर यदि जो नमामि जो शब्द है, यदि ये प्रणाम करते हैं हाँ, ये वैद्य भक्ति और एक है राग भक्ति। बोले राग भक्ति किसको कहते हैं, बोले इष्टे सारस के राग परमाभिष्टता भवे। जब मन को नहीं बोलने पर भी जब ये मन स्वाभाविक रूप में भगवान की भजन में लग जाए, जैसे जिस समय श्री उद्धव जी हैं उद्धव ग्यार में गए, जहाँ पर कृष्ण स्वयं एक भौरा बन करके आए और राधा रानी के चरणों के ऊपर बैठना चाह रहे थे, और उसी समय राधा रानी हैं कृष्ण को भौरा मान करके जो टेढ़ी मेढ़ी वचन बोल रही थी, बोले ये जितना काले है ना हैं, ये हर युग में काले सबके सब बराबर है, सत्य युग में भी काले कौन हुए, बोले श्री वामन देव हुए। उन्होंने बोले हम तो ब्राह्मण बड़े संतोषी, हमें ज्यादा जमीन नहीं चाहिए, तो बोले कितना चाहिए, दो पग चाहिए, लेकिन देखो एक पग में तो क्या किया, तीन पग चाहिए, एक पग में तो घोर भूगा मोह जन तप सत्य लोक को नाप लिया, और दूसरी पग में अतल विकल तलातल पाता लोगों ने नाप लिया, दो पग में सब कुछ नाप लिया, और तीसरी पग में नहीं दे पाए तो उनको वर्णों पास में बांध दिया है। अरे तुम बौना बनकर के आया था उसी हिसाब से नापो ना, सारा दुनिया ले लिए। अरे तृतीया युग में भी एक काला आए कौन, अरे ये राम आए हैं, ये भी एक काले थे, लेकिन उन्होंने जंगल में गए बड़े जटाजुट धारण करते हुए हैं, जटाजुट धारण करते हुए बलकल को पहनते हुए, लेकिन साथ में स्त्री को भी लग गया, एक तरफ से साधु वेश दूसरे तरफ स्त्री, फिर सुपने खाने शादी करने के लिए आए, बोले सुपने का क्या थोड़ी कोई दोस्ती, कोई दोस्ती, बोले अगर तू इतने सुंदर नहीं होता तो सुपने का थोड़ी आकृष्ट होता, फिर तुमने इतने सुंदर रूप क्यों धारण किया, तभी तो सुपने का तुम्हारे प्रति आसक्ति हुई, नहीं तो आसक्ति होती नहीं, ये स्त्रियों का स्वभाव किसी सुंदर चीज को देख आकृष्ट होते हैं, उसमें दोष क्या था, अरे शादी नहीं करता तो शादी करता नहीं, उसको नाक कान क्यों कटवाया, किसी स्त्री का अगर नाक कान काट दो दुनिया में उसको कोई पूछने वाले जगह तुम्हें कोई रहेगा, कोई पूछेगा नहीं, बोले जितने काले ना सबके सब, अभी देखो ये भी कृष्ण भी ये काले हैं, ये कौवा दे काले भी, कौवा भी काला है, खुद भी खाता है और दुनिया को का का कर बुला देता है, आज यहाँ खाता है उसको ठोकर खाता है, ये जितने काले सबके सब झुकते हैं। इतने में इतने राधा रानी इतने निंदा कर रही थी, किसने कहा भैया अगर वो काले इतना बदमाशी, अरे काले की बात ही छोड़ दो, अरे काले का नाम क्यों लेते हो, काले का बात छोड़ दो, बोले यही तो गड़बड़ी है, वो काला ऐसे अंदर में बैठ गया, ये कान को कहते हैं भैया कृष्ण की बंसुरी की आवाज मत सुना करो, लेकिन जब कानों में पड़ता है ना कन्हैया की बंसुरी की आवाज छोड़कर कोई अंदर आती नहीं, ये आंख को समझाते हैं भैया काला चीज को छोड़ करके दूसरे चीज देखो, लेकिन देखे तो काले को देख गया, ये जीवा को हम समझाते हैं भैया काले का बात ही छोड़ दो ना, बात तो बहुत सारी बात है, लेकिन ये निगोरी जो जीवा है वो बोलेगा कृष्ण बात छोड़कर वो तो बोलता नहीं, इसको क्या कहते, इसको राग भक्ति कहते हैं। नहीं चाहने पर भी ये मन जिसमें एकदम कृष्ण जिनकी कण कर में भगवान जिनकी रम जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो नमाम शब्द यहाँ पर आया है कहते ये प्रणाम है, ये वैद्य भक्ति है, वैदिक भक्ति है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। इसलिए जब हम ये वैदिक भक्ति को जाजन करते हैं क्या होता है, जब वैदिक भक्ति को ठीक ठीक से, जैसे नहीं मंगल आरती में आना, किस में आना, कितना बजे उठे हो, 4 बजे 3:30 बजे तो उठे हैं, इस समय को उठने का समय होता है, उस समय गहरा नींद आती है ज्यादा, लेकिन उस समय उठो मंगल आरती में जाना उठो, लेकिन आए ना ये साधन कर रहे हैं ना, मन चाहता है मंगल आरती में आने के लिए, उस समय तो नहीं, यहाँ पर कुछ लोग बैठ बैठ के सो रहे हैं, हाँ क्योंकि क्योंकि उठे बहुत जल्दी है, लेकिन ये वैदिक भक्ति है ये वैदिक भक्ति है। इसलिए वृंदावन में गोलोक वृंदावन में मंजरिया तो यही करती है,
हम जो भजन गाते हैं ना, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा गोलोक वृंदावन में मंजरी सखियां क्या करती हैं? एकदम मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ करके स्नान करके तिलक लगा करके क्या करती है, मृदंग मजरा लेकर के राधा कृष्ण को जगाते हैं। जहाँ सुंदर सुंदर फूल की खुशबू आ रही है, बेली चमेली जूही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए चारी तरफ में आमदित तो हो रही है, वहाँ पर मंजरिया क्या कर रही है, वहाँ पर सबके सब मंगल आरती करती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये प्रैक्टिस जो स्थान है ना, हम सबके सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर जो ट्रेनिंग के पास कर जाएंगे वहां नौकरी, बढ़िया नौकरी मिलेगी वहां पर, हाँ बढ़िया नौकरी वहां पर मिलेगी नित्य सेवा में। लेकिन वहां जाने के लिए अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं ये वैधि भक्ति, वो विधि विधान के अनुरूप शास्त्र शासन नहीं। मंगल आरती में नहीं आओगे तो कभी तुम्हारी मंगल ही नहीं होगा, इसलिए मंगल आरती में आनी चाहिए है। इसलिए स्वाभाविक रूप में होने के लिए हम अभी ये सबके सब साधन कर रहे हैं। एक दिन ये सचमुच से स्वाभाविक रूप में हमारे अंदर में ये वृत्ति आ जाए है। इसलिए ये वैधि भक्ति, और यही वैधि भक्ति रत्तजने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान करे। क्या होता है जब उसको ठीक ठीक से करे, अरे भगवान एक दिन क्या करते हैं अपना राग भक्ति में हमें प्रवेश करा देते, खुद नहीं घुस जाते, ठाकुर जी की कृपा से ही वो राग भक्ति के अंदर में जीव को प्रवेश होती है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द आया है, पहला शब्द नमामि, हम सबके सब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। नमामि कहते भैया वो कौन है, उनको कहते हैं ईश्वरम, नमामि ईश्वरम। इसलिए ईश्वर का मतलब क्या है, ईश्वर का मतलब होता है, कहते ना ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर मतलब होता है जो अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सकते, कहते साहेब ईश्वर, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते, दिन को रात, रात को जो दिन कर सकते हैं, और जो मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते हैं, ये ईश्वर है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर शब्द का श्री सनातन गोस्वामी यहाँ पर तीन अर्थ दिया है। कहते जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, और कौन है, और वो जो प्रभु है और सर्वशक्तिमान और ईश्वर और जगत का जो नाथ है, हम इनको सबके सब हम प्रणाम करते नमामि स्वरम। कहते उनका स्वरूप क्या है, बोले सचिदानंद रूपम, जिनका स्वरूप ही सत चित और आनंद स्वरूप है। लेकिन हमारी स्वरूप क्या है, खिति जल पावक गगन समीरा अधम शरीर, हमारी अधम शरीर। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है सत चित आनंदमय स्वरूप है, सचिदा नंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राजवनम। ठाकुर जी बड़े सुंदर ठाकुर जी कुंडल पहने हुए, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान के सारा शरीर में, भगवान तो गले में हार भी पहनते, कमर में करधनी, पैर में पैजामा, सब कुछ पहनते हैं। लेकिन पहनने पर यहाँ पर श्री सत्यव्रत ऋषि कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो श्रृंगार पहनते हैं, सबसे ज्यादा किसी की सौभाग्य हुआ, बोले कान में जो कुंडल है। बोले क्यों, बोले कुंडल जो बार बार हिलता है, लेकिन कहाँ किसको स्पर्श करता है, किसको, कान में यह कुंडल है, कोई पहने कुंडल, अभी तो सब कोई पहनते नहीं। ये कुंडल जब हिलता है ना, कहाँ पर बार बार टच करता है, कहते हैं कपोल को, गाल को। इसका मतलब कहते हैं मानो जो कुंडल है ठाकुर जी को, जो कपल को, उनको गाल को बारंबार ये चुंबन कर रहा है। भगवान को गाल को चुंबन करना कपल को कोई साधारण बात है, राधा रानी ही करती है चीज को। लेकिन ये इसकी कितने सौभाग्यवान है, क्योंकि ब्रज में जितने आप बोलोगे तो जड़ है ये कुंडल, तो जड़ है,
हाँ सोने की नहीं दहरी जवाहरात जड़, बोले नहीं, भगवान के शरीर में जितने श्रृंगार है वो कोई साधारण वस्तु नहीं, ये साक्षात बलदेव प्रभु ही। कहते कृष्ण सेवा के लिए ये सब के सबसे बलदेव प्रभु ही, ये सब के सब ये रूप धारण करके रखे, इसलिए वहां पर सबके सब वस्तु कहते वृंदावन में जत किंचित तृणगुल्म किकट मुखई समस्त सर्वानंदमय मुकुंदम। कहते ब्रज का सारे चीज अपराकृत दिख गए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं बारंबार भगवान की कपलों को ये चुंबन कर रहा है, मतलब सारे अलंकारों में कहते सर्वश्रेष्ठ अलंकार कृष्ण की कुंडल है, इसलिए कहते गोकुले भ्राजमानम। कहते वो कहां पर सुभायमान हो रहे हैं, बोले गोकुल में। कहां पर? बोले क्यों गोकुल में क्यों सुभायमान हो रहा है? यहाँ पर कहते हैं जब जिस समय भगवान रंगशाला में प्रवेश किया, मथुरा के रंगशाला में, कहते जिनकी भावना रही जैसी हरि मूरत देखतिनी तैसी, जिसके अंदर में जैसी भावना थी वो कृष्ण को इसी अनुरूप उन्होंने दर्शन किया है, लेकिन कृष्ण तो एक ही कृष्ण है, बोले मल्लानाम असनी नृणाम स्त्री नाम स्मर मूर्तिमान। वहां पर जो योद्धा देख रहे थे वज्र है, स्त्रियां देख रही थी सख्या दिए काम देव है, माताएं देख रही थी तो छोटा भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कंस देख रहा था सख्यात मृतु, जोगी लोग देख रहे थे यही पर तत्व है, कृष्ण तो एक ही है, लेकिन जिसकी अंदर में जैसे भावना है ना वो भावना के अनुरूप कृष्ण उनको सामने वैसे ही प्रकट होते हैं, इसलिए कहते गोकुले भ्राजमान कृष्ण की है, लेकिन जो द्वारका में रहते हैं उनका अंदर में सबके सब उनको भगवान मान करके स्तुति करते हैं, वहां पर ऐश्वर्य ज्यादा, लेकिन जो वो मथुरा में रहते हैं वहां पर आधा ऐश्वर्य और आधा माधुर्य, लेकिन कृष्ण जब गोकुल में रहते हैं ना उनकी जो सर्वोत्तम जो माधुर्य था वो कहाँ प्रकाश होता है, और जब वो गोकुल में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं वहां पर कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते, वहां पर कोई सोचते हैं ये हमारी सखा है, कोई बोलते हैं हमारी लाला है, कोई बोलते हैं हमारे प्रियतम है, वहां पर कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते हैं, वहां पर सबके सब भगवान को अपना दोस्त मानते हैं, प्रियतम मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, इसलिए हमारे इसलिए बृहद भागवतामृत ग्रंथ में कहते श्री सनातन गोस्वामी ये चीज को उन्होंने वर्णन किया है, कैसे कृष्ण गोकुल में कैसे सुंदर विशुद्ध रूप में माधुर्य प्रकाश पाते हैं, वो उदाहरण देते हैं। एक समय कृष्ण द्वारका में वृंदावन की चिंता करते 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 वृंदावन के भक्तों की चिंता करते करते एक दिन कृष्ण वहां पर बेहोश हो गए, जो बेहोश हो गए बोले उनका होश कैसे आएगा, बोले अगर होश तभी आ सकता है अगर सबके सब उनने वृंदावन की उद्दीपना हो तभी कृष्ण की होश आ सकता है, बोले क्या करे, इतने में ब्रह्मा जी नव वृंदावन बनाया, कृष्ण को उठा कर ले गए और लेकर के उन्होंने नव वृंदावन उन्होंने बनाया, कृष्ण जैसे वृंदावन में उठते हैं और जैसे गोचान में करने जाते हैं, जैसे गोपियां कुंज से बड़े सुंदर रूप में दर्शन करती हैं, जैसे मैया जसोदा कहते लाला मखन खा ले, पूरा उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने नव वृंदावन बनाया, और इतने में कृष्ण का जो ड्रेस था ना पूरा के पूरा बदला दिया, अभी कृष्ण द्वारका में थे ना वो तो द्वारकाधीश थे, लेकिन सारे ड्रेस को उन्होंने बदलवा दिया, वृंदावन के सारे कपड़े और वृंदावन का जो फल पत्ते फूल में ठाकुर का श्रृंगार करवा दिया, और बलदेव प्रभु भी सारे श्रृंगार को उतार करके राज पोशाक को वो भी धारण कर लिया, क्या धारण कर लिया, वृंदावन के दाव भैया है दाव भैया, इतने में सामने उन्होंने सुंदर सुंदर गैया बछड़े को उन्होंने प्रकट कर दिया, ब्रह्मा जी बड़े सुंदर कुंज बना दिए जिसे राधारानी झांक करके देखती हैं, गोपियां देखती हैं, जैसे मैया जसोदा कहते लाला ये मक्खन खा ले, ये सबको सब कुछ उन्होंने प्रकट किया, प्रकट करके इतने बलदेव प्रभु आए, बोले कन्हैया कन्हैया देख इतना लेट हो गया, आज बड़ी दूर तक हमें गैया चराने के लिए जाना, देखो सारे सखा लोग इंतजार कर रहे, कहते अभी तो बदू सोया हुआ है, इसलिए जल्दी उठो मैया जसोदा कैसे बैठी है, बलदेव प्रभु कृष्ण को जो हिला है ना, और जितने द्वारका में जो रुक्मिणी सत्यभामा, बोले तुम लोग दूर में चले जाओ, सब के सब वहीं पर दूर से ही दर्शन करना, नारद जी को उद्धव जी को
उनको पता नहीं चले यहाँ पर ये द्वारका है, उनको पता चले ये वृंदावन है, हैं? इतने में कृष्ण को जो बलदेव प्रभु उठाए, बोले जल्दी जी उठो, बड़े दूर तक गैया चराने के लिए जाना। जब उनको उठाए, कृष्ण तो ब्रज भाव में डूबे हुए थे, ब्रज की चिंता में ही वो बेहोश हो गए थे। इतने में कृष्ण जब धीरे धीरे उठे और उनने वृंदावन का वेश देखा, बलदेव प्रभु को देखा ये वृंदावन का वेश है, और सामने देखा गैया सखा लोग, कृष्ण को तो लगा किया हम वृंदावन में। अभी कृष्ण का वृंदावन में जैसे रहनी सहनी, जैसे वृंदावन में चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, और जैसे गोपियों के प्रति उनकी नजर है, कृष्ण जब उन्होंने उठे वृंदावन के भाव में, और उनका जो वृंदावन में चलना और मथुरा द्वारका में चलना अलग है, लेकिन जो वृंदावन का चाल में जब चले, जब उठे, बोले मैया मैया मैंने रात को बड़े स्वप्न देखा, पता नहीं कितने मेरी शादी हो गई और मैं द्वारकाधीश बन गया। कृष्ण भूल गए है ये सच है, बोले मैंने स्वप्न देखा मैया मखन लेकर, मैया इतने सुंदर बनाई लग रहा था जैसे मैया जसोदा कन्या को मखन दे रहे हैं। इतने में कृष्ण जब उठे, उनके जो हाव भाव, मैया अभी बहुत लेट हो गया, मैं गोचारण करके जब आऊंगा ना तेरे को सारे बात बताऊंगा। हे कृष्ण जब आगे चले, उनका जो लटकन झटकन देखा ना, जब उन्होंने ये भाव को प्रकाश किए, जो रुक्मिणी सत्यभामा दूर में खड़ी थे ना, और पद्मा कंस की माँ एकदम बुरी हो गई, वो तो कृष्ण की ये रूप को देख रही जैसे छोरी हो गई, वो भूल गई मैं बुरी। कृष्ण इतने सुंदर रूप थे, वो सोच रहे थे मैं 16-15 साल की मैं कोई लड़की, कृष्ण का रूप को देख करके वो सहन नहीं कर सकी, कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, उनको बड़ी जोर से उनको रोके। रुक्मिणी सत्यभामा भी वो दूर से देख करके, कृष्ण वृंदावन में रहते हुए उनकी जो भाव है, उनकी जो कटाक्ष है, वो जैसे जैसे व्यवहार करती है, कभी कभी रुक्मिणी सत्यभामा सोचती थी हम एक से एक घरानी राज घरानी की लड़की, हमारे से लड़कियां हैं, सारी कला में हम निपुण हैं, लेकिन हम हर तरह से कोशिश करते हैं कृष्ण को आनंद देने के लिए कृष्ण को, लेकिन ये कृष्ण हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं होते हैं, सोते हैं हमारे पास में और रोते हैं ब्रजवासियों के लिए, रोते हैं ब्रजवासियों के लिए। क्यों? ये ब्रजवासियों ने इसे क्या जादू चुना की, इसे क्या मंत्र उनसे फूके हैं? लेकिन उसी दिन जब उन्होंने कृष्ण के रूप उन्होंने देखा, समझ गए सचमुच से कृष्ण गोपियों को जैसे प्रेम करते हैं, राधा रानी की जैसे प्रेम करते हैं ना, उसके 16 आना से एक आना भी हमारे प्रति प्रेम नहीं करते। ब्रज का जो नौकर नौकरानी को जैसे प्रेम करते हैं, ऐसे भी कृष्ण हमें नहीं प्रेम करते हैं। सचमुच से जो ब्रजवासियों का जो प्रेम अद्भुत, जब कृष्ण और थोड़ी दूर गए, वहां पर गोपियां कुंज से झांक रही थी, राधा रानी भी झांक रही थी, बोले राधे लगता है तू मेरी मन की बात समझ गई हो, मैं और किसको प्रेम करता हूँ, कोई चिंता मत कर, रात को जो आऊंगा ना तेरे को मैं समझाऊंगा, मैं स्वप्न देखा, मैंने सचमुच से और किसको शादी नहीं किया। इसका मतलब कृष्ण कहते हैं जो ब्रज की जो लीला ही है ये सही है, और जितने सारे लीला है ना कृष्ण कहते स्वप्न है, ये लीला मेरी सही नहीं, ब्रज का लीला ही मेरा वास्तव लीला है। इसलिए यहाँ पर कहते गोकुल भ्राजमानम, यद्यपि कृष्ण सर्वत्र सुंदरता है, लेकिन कृष्ण की परिपूर्ण सुंदरता कब प्रकट होता है, कहते कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जन्मादस्य जतो नयादितरतस्य, कहते हैं कृष्ण यद्यपि सुंदर है लेकिन सर्वोत्तम सुंदरता कहाँ प्रकाश पाती है, कहते जहाँ पर राधा मान करती हैं और कृष्ण अनुकूल नायक होकर के राधा रानी के चरण में गिरते हुए बोले हे राधे आप इतने क्यों मान किए हो, मान तो छोड़ दे, इतने मान तुमने क्यों किए हो। कृष्ण जो हाथ खाते हुए राधा रानी के चरण में गिरते हैं ना, कहते उसी समय कृष्ण की सर्वोत्तमता सुंदरता उसी समय प्रकाश पाता है। इसलिए कहते नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले राजमानम, कृष्ण कहाँ पर सर्वोत्तम रूप में वो सुंदरता प्राप्त होते हैं, जहाँ कृष्ण गोकुल में वृंदावन में जब रहते हैं, अब विशेष करके जब सखाओं के साथ में हो, उससे जब मैया यशोदा के पास में हो,
जब वो गोपियों के पास में और जो राधा रानी के पास में होते हैं, कृष्ण की सर्वोत्तमता सुंदर वहीं पर कृष्ण प्रकाश पाते हैं। कहते कृष्ण ने तीन जगह से टेढ़े क्यों हैं? कृष्ण को देखा कैसे खड़े हुए, कैसे खड़े हुए, कैसे खड़े हुए, तीन जगह से टेढ़े, कैसे टेढ़ी-मेढ़ी क्यों खड़े हुए? राधा जी को पास में खड़े है ना, राधा जी को पास में जो होते हैं ना, कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाते, अपने आप कृष्ण संभाल नहीं पाते, अपने आप टेढ़े बन जाते हैं। हाँ, इसलिए राधा जी की प्रेम में वो टेढ़े बनकर करेंगे। जैसे लड़खड़ाते हैं ना एक व्यक्ति, हाँ लड़खड़ाते हैं, इसलिए राधा जी के पास में लड़खड़ाते हुए खड़े हुए कृष्ण। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे। अपना जल्दी जल्दी